काजल, और आज मैं जो अपडेट लेकर आई हूँ वो है आपकी RSMSSB लैब असिस्टेंट के रिज़ल्ट को लेकर। जी हाँ, ये जो आपका एग्ज़ाम 28 से 30 जून को जो हुआ था, छः पारी में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कि आपकी जैसे कि ज्योग्राफी है, साइंस है, होम साइंस है, इसके पेपर जो है आपके जो कंडक्ट कराए गए थे, तो इसका जो है गाइस रिज़ल्ट का जो है बहुत बेसब्री से जो है वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी इसकी आंसर की जो है 13 जुलाई को कंडक्ट हुई थी, और अब जो है आपका जो है गाइस रिज़ल्ट जो है आने वाला है। तो गाइस जो पूछ रहे थे कि कट ऑफ क्या रहेगी, तो कट ऑफ मैं आपको बता दूंगी, लेकिन पहले जो है रिज़ल्ट की गाइस आप गुड न्यूज़ सुन लीजिए। देखिए, बात अगर हम आपकी इसकी एग्ज़ाम में कर रहे हैं, तो देखिए जो आपका प्रथम पेपर जो हुआ था, जिसमें आपके सामान्य ज्ञान के जो है 100% आए थे, और दूसरे में भी आपके जो है 100% थे, यानी कि टोटल जो है दो पेपर आपके 200% का पेपर था, और जो कि 400 अंक का था, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का था, ठीक है ना। 1/3 भाग की निगेटिव मार्किंग है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके इसमें मार्क्स मिलने वाले हैं, कट भी होंगे। जो गाइस ये कहते हैं, आपने बहुत सुना होगा कि हम जो है 100 में से जो है 80 जो है क्वेश्चन कर आए, तो जब घर पर आकर चेक करते हैं, पता चलता है कि 60 ही सही हो पाए हैं, क्योंकि इसमें से तो कितने तो गाइस गलत जाते हैं, और गलत जाने के बाद भी 1/3 की निगेटिव मार्किंग के हिसाब से वैसे नंबर जो है कट जाते हैं, तो कोई भी तय नहीं कर पाता। देखिए कट ऑफ का, तो जब तक जो है रिज़ल्ट आ नहीं जाता, क्योंकि उसमें जो है बाद में जो है कट ऑफ के बाद ये भी पता चलता है कि नॉर्मलाइजेशन में जो है नंबर किसी को जो है कितने मिले हैं, क्योंकि इसमें भी नॉर्मलाइजेशन में नंबर जो है सेम नहीं मिल पाते हैं। आपको ये चीज़ पता होगी, सबको जो है अलग अलग नॉर्मलाइजेशन के नंबर जो है मिलते हैं, कास्ट के अकॉर्डिंग भी मिलते हैं इसमें नंबर, और कुछ का जो है लक भी चल जाता है, ठीक है ना। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे तो बहुत कमी आए थे नॉर्मलाइजेशन के नंबर, ठीक है। तो गाइस आपका बता देते हैं, देखिए कट ऑफ भी मैं बता देती हूँ, कट ऑफ जो आपकी रहेगी ना वो इस हिसाब से रहेगी, जैसे कि जनरल वालों की तो रहने वाली है 130 के लगभग रहेगी, जनरल वालों की 130 से 135 के लगभग रहेगी, ओबीसी वालों की जो है 125 के लगभग रहेगी, ओबीसी वालों की, ईडब्ल्यू वालों की 125, इनकी भी यही लगभग रहेगी, एससी वालों की 115 के लगभग रहेगी, एसटी वालों की 105 के लगभग रहेगी। तो गाइस इस तरह जो है आपकी जो है कट ऑफ रहने वाली है। और रिज़ल्ट की अगर हम बात करें कि रिज़ल्ट आपको जो है कब देखने को मिलेगा, तो आपका जो है इसी अगस्त की जो है लास्ट वीक में जो है गाइस आपका ये रिज़ल्ट जो है आउट हो लेगा, ठीक है ना, लास्ट वीक में आएगा आपका रिज़ल्ट। तो बहुत कम टाइम बचा है, बस आने ही वाला है, किसी भी टाइम आपका जो है रिज़ल्ट आ सकता है। तो आप जो है अपने रिज़ल्ट के लिए, यहाँ जो रिज़ल्ट का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो है आप उसको चेक कर सकेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ फिर भी, देखिए यहाँ पर जो है अभी जो है लाइव स्टॉक असिस्टेंट का इनके जो हैं शो हो रहे हैं, फिर यहाँ पर आपका रिज़ल्ट आएगा, यहाँ पर लिखा होगा RSMSSB लैब असिस्टेंट रिज़ल्ट, तो आप इस तरह जो है अपना रिज़ल्ट जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2018 इनका फाइनल रिज़ल्ट था, इस तरह आपके अभी इस तरह रिज़ल्ट में नाम होगा, आप जो है यहाँ से चेक करके अपना PDF जो है देख पाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।